गुड इवनिंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज एक नई फिल्म लेकर आया हूँ आपके लिए। इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। फिल्म के बारे में बात करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है श्रीनिज ग्लाइडर। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कुछ सजेशंस है तो वो भी लिखना ना भूलें। आइए बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म का नाम है क्रॉल, 2019 का रिलीज है। 12 जुलाई 2019 का यूएसए रिलीज है, हालांकि वो प्राइम पर अभी अभी कुछ ही दिनों पहले आई है। आर रेटेड फिल्म है, 1 घंटा 27 मिनट की फिल्म है। फॉल्स अंडर ड्रामा, हॉरर एंड थ्रिलर। फिल्म के दिग्दर्शक है अलेहांद्रे आहा, एंड स्टार्स है काया स्कोडालारियो, बेरी पेपर एंड मॉर्फाइड क्लार्क। फिल्म आईएमडीबी पर 6.2 out of 10 का रेटिंग ले चुके हैं। फिल्म को 58,000 के करीब करीब लोगों ने इसे रेट किया है। फिल्म क्या है? फिल्म एक कैलामिटी पर बेस्ड है। एक जगह है जहां पर एक हरिकेन आया हुआ है, एक क्या बोलते हैं उसको, तूफान आया हुआ है, और उसी के बीच में एक लड़की है जो अपने पिता को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर जाती है। वो तूफान के अंदर चली जाती है अपने बाप को ढूंढने के लिए, और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बाप इंजर्ड है। वो क्यों इंजर्ड है ये जब वो फिगर आउट करने जाती है तो उसे समझ में आता है कि उस तूफान के द्वारा उसके घर के बेसमेंट में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर्स आ चुके हैं, और उन्होंने ही उसके बाप को इंजर किया है। अब जब ये फाइंड आउट करती है तो उसी टाइम पर उस पर भी एक अटैक होता है, एंड द फिल्म इज ऑल अबाउट हाउ दे गेट अवे फ्रॉम इट, हाउ दे गेट आउट ऑफ इट, और वेदर दे गेट आउट ऑफ इट और नॉट। दोस्तों, फिल्म के सिनेमाटोग्राफी से बात करने के पहले, फिल्म मैंने एक एक्सपेक्टेशन से इसके लिए देखी थी क्योंकि हमेशा एक एनिमल ह्यूमन जो कॉम्बैट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। उसमें ये हॉरर क्या था, व्हेन एन एनिमल बिकम्स वेरी हॉरिफिक फॉर ह्यूमन, जब एक एनिमल के वजह से हमें एक हॉरर फील होता है ह्यूमन लाइफ में, तो उसके वजह से एक अलग तरह का हॉरर तैयार होता है ऐसा मुझे लगता है। और वो मुझे काफी पसंद भी है कि यू नो एनिमल्स हॉन्टिंग ह्यूमंस, जनरली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हॉन्टिंग द एनिमल्स, वी आर किलिंग देम एंड एवरीथिंग, बट जब एनिमल्स अपने ऊपर उल्टे उतर आते हैं तो क्या हो सकता है, ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है। इसीलिए मैंने फिल्म देखी, और मेरे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस अराउंड 50-50 है, वो मैं आपको बताऊंगा ही थोड़ी देर में। फिल्म के सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी हद तक अच्छी की गई है, क्योंकि फिल्म में VFX है, और बहुत ज़्यादा VFX है, भर भर के VFX डाला हुआ है। मेड बी फ्लूड VFX, देर इफेक्ट्स, देर SFX, क्रोमा स्क्रीन, और मे बी द एनिमल्स, लॉट ऑफ VFX इज मीन हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाई द सिनेमाटोग्राफी इज रियली वेरी गुड। काफी इंटरेस्टिंग सिनेमाटोग्राफी का टेक है, क्योंकि एक डार्क एरिया उन्होंने क्रिएट किया है, एक डार्कनेस, एक हॉरिफिक थिंग, यू नो, उसमें ड्रामा करने की क्रिएट की गई है। बहुत ज्यादातर फिल्म उनके सुएज में, यानी कि उनके बेसमेंट में होती है, और उसी के वजह से सिनेमाटोग्राफर के पास खेलने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा मुझे लगता है। बट वॉट एवर लाइट ही इज क्रिएटेड इज अ फैंटास्टिक लाइट। प्रोडक्शन डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन उन्होंने एक माहौल तैयार किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। उसी के वजह से आपका जो थ्रिलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है ऐसा मुझे लगता है। हॉरर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये फिल्म उतनी हॉरर लगी नहीं। साउंड डिज़ाइन बहुत बढ़िया किया है, एलिगेटर के साउंड हो, बोन्स क्रैकिंग हो, कुछ भी हो, यू नो, हरिकेन का आवाज़, जितने सारे आवाज़ इसमें डाल सकते थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डाले हैं, और उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया। छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में उन्होंने काम किया, जैसे पानी की वजह से जब गाड़ी उठती है पानी में तो उसके जो पतरे का आवाज़ आता है, वो सब छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। दोस्तों, फिल्म के लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिल्म में एज सच कोई लैंग्वेज यूज़ की नहीं गई है, बट ओवरऑल द फिल्म इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ हॉरर एंड लॉट ऑफ थ्रिलर। उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें मुझे इस फिल्म के बारे में अच्छी लगी, उसमें ड्रामा बहुत बढ़िया है, उसमें थ्रिल बहुत बढ़िया है, बट हॉरर के लिए मैं थोड़ा सा ये करूँगा, क्योंकि कहीं पर भी एक या दो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर आप थोड़े से हॉरिफिक फील करते हो। एक आध दूसरा अटैक है और एक आध दूसरा रियलाइजेशन है जहाँ पर एक थोड़ा सा आप हॉरिफिक फील करते हो, बट जस्ट बिकॉज यू आर इनसाइड अ कैलामिटी एंड यू हैव बीन अटैक्ड बाय एन एनिमल डज नॉट मेक इट हॉरिफिक एवरी टाइम। यू नो दैट एनिमल हैज टू बी ओवर द टॉप, लाइक यू नो, हीरो को बड़ा दिखने के लिए विलन भी उतना बड़ा लगता है, वही वाला सीन है। एक्टर्स ने काम बहुत अच्छा किया है, स्टोरी एक्चुअली बहुत अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था स्टोरी में, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में स्टोरी ने मार खाया ये मुझे लगा। जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, नंबर 1 VFX
बहुत खराब VFX है, एनिमल्स हमें CG है ये पता चलता है, रियल एलिगेटर्स नहीं है पता चलता है, और फ्रेम भरने के लिए या फ्रेम को ड्रामेटाइज करने के लिए जब आप VFX का यूज करते हो तो इतना भी नहीं करना चाहिए कि वही दिखे और फ्रेम में बाकी कुछ दिखे ही ना। कहीं पर बहुत सारी जगहों पर जब हम VFX यूज करते हैं तो हमें प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, सडनली हमारे अगर प्रोपोर्शंस गड़बड़ा गए तो वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता, वो फेक लगता है। और वही बात यहाँ पर भी हुई है कि सडनली प्रोपोर्शंस कम ज्यादा होने लगते हैं, एक्शन ओरिएंटेशन थोड़ा सा कम ज्यादा होने लगता है, हालांकि एक्शन एक बहुत अच्छी चीज है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गोर जो ब्लड वहां पर दिखाया है वो थोड़ा सा मुझे खटका। आई टेल यू व्हाई, व्हेन इट इज समथिंग गोरी एंड ब्लडी इट हैज टू बी रिलेटेबल, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे साथ जो घटनाएं हो रही है और उसके थ्रू तुम जो इतने बुरे हालात में भी सेल कर जा रहे हो वो थोड़ा सा खटकता है, थोड़ा उतना मजा नहीं आता, इसीलिए शायद इसके बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज हैं। दैट इज व्हाई इट हैज गॉट 6.2 आउट ऑफ 10। हालांकि फिल्म का जो टाइम है 1 घंटा 27 मिनट वो बहुत अच्छा है। फिल्म का लैंग्वेज उन्होंने जो एक सेट किया है कि इफ यू सी द फर्स्ट सीन स्टार्ट्स विद द स्विमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल ट्राइंग टू विन द रेस एंड अल्टीमेटली शी एंड्स अप डूइंग द सेम बाय द क्लाइमैक्स, सो वो बहुत अच्छे तरीके से रिलेट किया गया है, एक दूसरे को रिलेट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, फादर डॉटर का रिलेशन काफी अच्छे तरीके से किया दिखाया गया है। बट समवेयर डाउन द लाइन फिल्म कहीं पर कम पड़ती है ऐसा मुझे लगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हुआ है क्लाइमैक्स में, बहुत ज्यादा क्लाइमैक्स में टाइम वेस्ट हुआ है ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कुछ इवेंट्स वहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है क्लाइमैक्स में जिसकी जरूरत नहीं थी, तुरंत हो सकता था। एक ट्विस्ट क्लाइमैक्स का इतना एक्सपेक्टेड था कि आई वॉज लाइक हाउ एक्सपेक्टेड दे हैव मेड इट, और वहीं पर मुझे थोड़ा सा ये सब खटका। बाकी ओवरऑल फिल्म काफ़ी एंटरटेनमेंट देने वाली थी, आई कुड सी इट, आई वॉज नॉट बोर्ड एट ऑल, दो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टिंग स्टफ था उसमें, बट आई वुड लव टू वॉच इट ऑन अ डार्क नाइट विद सम फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, जहाँ पर मैं थोड़ा सा डरने की कोशिश करूंगा इसके साथ। सो दैट्स ऑल फॉर द फिल्म फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, नीचे कमेंट में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाए। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम और गो आउट, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, आई एम श्योर यू विल सेल थ्रू इट। अब तक किया है तो और क्यों नहीं करेंगे आगे। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।